नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SSB05 चैनल। तो मैं हूं पिंटू। आप कैसे हैं? शायद ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, अब तक आपने हमारी जो वीडियो देखी है फूड रेसिपी की, तो आज घर वाले सब्जी बना रहे हैं अंडे की और बेसन का करारा, तो मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया। तो आज हम उनका खाकर टेस्ट बताएंगे आपको। अंडा करी बनाया है और दूसरा करारा जो बेसन का और दोल का और छाछ का बनता है इसके। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको दिखाते हैं। और दोस्तों, अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा। तो इस समय मैं हूँ हमारी छोटी सी दुकान पर। देखिए, ये छोटी सी दुकान है, इसमें सब्जी रखी हुई है। देखिए, इसमें सब्जी रखी हुई है। इसमें रखी हुई है भिंडी और करौंजा, आलू और प्याज, और ये छोटी सी दुकान है। दोस्तों, मेरे लिए बन के गर्मा गर्म चाय आ गया। गर्मी पड़ रही है और गर्मी में जो चाय पीने में आनंद आता है वो किसी में नहीं आता। तो हम चाय पीते हैं, आप भी पीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे मित्रों, इसमें अंडे उबल रहे हैं और उसमें बन रहा है करारा। करारा बन रहा है गैस पर और टाइम हो गया है, इस टाइम करीबन टाइम हो गया है 5:30। और ये हैं हमारे प्यारे प्यारे सुस्से। हाँ, तो दोस्तों, ये सब्जी छुकने को रेडी है। अब बस नॉन मिर्च मसाला पक चुका है। अब जैसे ही पकेगा और पूरा जो भी ये डालना चाहेंगे वो डल जाएगा और बन जाएगा। इसमें ज़्यादा प्याज भी नहीं यूज करी है और ज़्यादा लहसुन भी यूज नहीं किया है। सब कुछ नॉर्मल है और देख सकते हैं अंडे कितने प्यारे लग रहे हैं और मसाला एकदम बन के रेडी हो गया है। तो इसमें अब अंडे डाल रहे हैं, एक एक करके धीरे धीरे। अंडे डालने के बाद ये पक जाएगा। पकने में करीबन इसे 10 मिनट पकाना है। जब तक पानी इसका जो डाला है वो नहीं पक जाता, तब तक इसे पका के रखना है। फाइनली, ये क्या बोलते हैं, फाइनली सब्जी बन के आ चुकी है कड़ी, वो करारा चने का और अंडा करी। तो आपको एक वो झलक दिखाता हूँ उसकी, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, आपको ढंग से दिखाता हूँ, तो जाइएगा नहीं कहीं, वीडियो ज़रूर पूरी दिखेगा। एक वो टेस्ट करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है अंडा करी। देखिए क्या कलर आ रहा है, वाह, क्या कहने, माय गॉड। और ये है साथ में चने की दाल का वो करारा, छाछ के साथ बनाते हैं। और ये देसी चूल्हे की रोटी गर्मा गर्म। देखिए, हाँ, साथ में नमक भी है। थारी बिल्कुल सच के आ गई है। तो हम इसे खाकर बताते हैं, तो चलिए। हाँ, तो मित्रों, आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ गर्मा गर्म रोटी के साथ। ये है अंडा करी, एक पोत दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, रोटी तोड़ी है ऐसे, देखिए क्या कलर आ रहा है, वाह। अंडे बिल्कुल पूरी तरह से साबुत है और इसका जो बीच में ऐसे घोल है जो पीला पीला सा होता है वो भी नहीं घुला है। तो हम इसे खाकर बताते हैं।
और नजी का, तो हम इसे खा के बताते हैं। सुपर, मैं आपको बता नहीं सकता कि गजब टेस्ट है, सच में आनंद आ गया। मन करता है एक साथ सारी खा जाऊं। वाह, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, कह नहीं सकता, आपको बता नहीं सकता। ये बिल्कुल देसी स्टाइल में और बहुत ही ज्यादा स्वाद की है। अब चलो इसके बाद मैं इसको टेस्ट करता हूँ। वाह, इसका भी कलर एकदम कड़ी जैसा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन इससे ज़्यादा टेस्टी मुझे अंडा करी लगी है। तो दोस्तों, देसी स्टाइल का जो खाना होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताऊंगा। वास्तव में यहाँ आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही ज़्यादा स्वाद की है, बिल्कुल देसी स्टाइल है, घर का बनाया हुआ मसाला है, घर का ही है। इसमें टमाटर भी नहीं डाला है, ज़्यादा लहसुन भी नहीं डाला है, ज़्यादा प्याज भी नहीं डाला है, और हिसाब से बनाया है ना ज़्यादा, बहुत ही हिसाब से बनाया है। तो दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।